तो हाथी के दांत की कीमत हीरे मोती से भी ज्यादा महंगी क्यों होती जा रही है? दोस्तों, लड़कियां हाथी पर योगा करना और उसकी सवारी करना क्यों पसंद करती हैं? दोस्तों, हाथी काफी ताकतवर जानवर माना जाता है, लेकिन ये काफी शांत स्वभाव का होता है और ये जल्दी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर हाथी को गुस्सा आ जाए तो ये सब कुछ तहस नहस कर देता है और काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हाथी से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपने आज तक ना कभी सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो शेर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर हाथी होता है। और दोस्तों, हाथी ही वो जानवर है जिसके सामने कभी कभी शेर भी पस्त हो जाता है और सरेंडर कर देता है। दोस्तों, हाथी का गुस्सा काफी खतरनाक माना जाता है, और जब हाथी को गुस्सा आता है तो वो सामने ये नहीं देखता कि इंसान है या जानवर, वो सब कुछ खत्म कर देता है और सामने वाले की रूह कांप जाती है। दोस्तों, हाथी एक ऐसा जानवर है जिसे पालतू भी बनाया जाता है। पहले के राजा महाराजा अपनी सेना में हाथियों का उपयोग करते थे। हाथी को एक वफादार जानवर भी कहा जाता है। पहले राजा महाराजा की सेना में शामिल होने से पहले हाथियों को काफी ट्रेनिंग दी जाती थी। हालांकि आज हाथी काफी कम संख्या में हो गए, लेकिन सरकार इनके संरक्षण पर काम कर रही है। हाथियों का उपयोग सर्कस में भी किया जाता है, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो हाथी के साथ खेल भी दिखाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हाथी सिर्फ दूसरे जानवर को और मानव को ही नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हाथियों को अक्सर गुस्सा आता रहता है और वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर साल बहुत सारे हाथी दूसरे हाथियों से लड़कर ही मर जाते हैं। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर हर साल हाथी एक दूसरे से लड़कर सबसे ज्यादा मरते हैं, और मरने वाले हाथियों की संख्या लगभग 20,000 की होती है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को हाथी की सवारी करते हुए देखा होगा। लोग हाथी पर सवारी करना काफी पसंद भी करते हैं, लेकिन लड़कियां पुरुषों के मुकाबले हाथी पर सवारी करना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि हाथी की सवारी करना दूसरे जानवरों की अपेक्षा काफी आरामदायक होता है, और हाथी को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त भी कहा जाता है। दोस्तों, हाथी को अपने वश में किया जा सकता है और उसे अपने अनुसार कंट्रोल इंसान कर सकता है, इस वजह से ज्यादातर लड़कियां हाथी की सवारी करना पसंद करती है। दोस्तों, अगर योगा की बात की जाए तो अधिकतर लोग योगा करने लगे हैं, और योगा करने का स्टाइल सबका डिफरेंट होता है। हम आपको एक ऐसा स्टाइल बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, थाईलैंड में लड़कियां हाथी पर बैठकर योगा करती हैं, और थाईलैंड की लड़कियों का हाथी के ऊपर योगा करने का कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुका है। थाईलैंड में लड़कियों को हाथी से थोड़ा भी डर नहीं लगता, और वो हाथी के साथ रहना और खेलना भी पसंद करती हैं। दोस्तों, अगर हाथी की सूंड की बात की जाए तो हाथी की सूंड काफी फ्लेक्सिबल होती है, और हाथी की सूंड इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि वो उसको किसी भी प्रकार से मोड़ सकता है। दोस्तों, हाथी की सूंड जितनी लचकदार होती है वो उतना ज्यादा ही मजबूत होती है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हाथी अपनी सूंड से 300 किलो तक वजन एक बार में उठा सकता है। दोस्तों, अगर हाथी के दांत की बात की जाए तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है और ये काफी महंगा बिकता है। दोस्तों, हाथी के दांत के ऊपर कई सारे मुहावरे भी बने हुए हैं। दोस्तों, हाथी के दांत हीरे जवाहरात से भी महंगे बिकते हैं, और एक आम आदमी इन्हें नहीं खरीद सकता। दोस्तों, अगर हाथी के दांत के उपयोग की बात की जाए तो हाथी के दांत से घर की सजावट की कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अब तो हाथी के दांत से महिलाओं के गहने एवं चूड़ियां भी तैयार की जाने लगी हैं, और महिलाएं हाथी के दांत से बनी चूड़ियां एवं गहने काफी पसंद भी करती हैं, और इसे नए फैशन में भी रखा गया है। दोस्तों, हाथी के दांत से बनी चूड़ियां और गहने हर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसकी कीमत लाखों में होती है। आपको बताते चलें कि चीन और जापान में ऐसी मंडियां लगती हैं जहां पर हाथी के दांत से बने घर के सजावट के सामान गहने बेचे जाते हैं,
और ये काफी महंगे होते हैं जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता। दोस्तों हाथी के दांत से बने गहनों की डिमांड बढ़ने से हाथी के दांत की कीमत पेट्रोल के कीमत की तरह बढ़ती चली जा रही है और इसकी कीमत आसमान छूने लगी है। इसलिए हाथी के दांत की तस्करी भी होती है। दुनिया भर में कई ऐसे तस्कर हैं जो हाथी के दांत की तस्करी करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों की सरकार ने हाथी के दांत पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं और तस्करों की आए दिन गिरफ्तारी भी होती रहती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते रहें और हमसे जुड़े रहें।